हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एकदम मुंबई स्टाइल वड़ा पाव और मुंबई स्टाइल चटनी बनाएंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे वड़ा का मसाला, जिसके लिए हमें लेनी है हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। अदरक को हमने छील के कट करके रेडी कर लिया है। ये सारी चीज़ों को हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का जूस। अब हम इस जार को बंद करके इसको पीस लेंगे। इसको हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने पीसा है। इसका फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, वरना जब वड़ा में हम इसका मसाला डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे वड़ा का बैटर तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें लेना है बेसन। तो यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस, फिर हम इसमें डालेंगे नमक, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा। यहाँ पे मैंने नींबू का रस थोड़ा सा कम लिया था, तो मैं थोड़ा और इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे पानी कम पड़ रहा था, तो मैंने पानी को थोड़ा और ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट लग रही है। अब यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा था, तब तक के मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। तो जब तक के आलू बॉईल हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं सबसे पहले चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चटनी की प्रिपरेशन के लिए मैंने लिया है, गुजराती में कहते हैं इसको गाठिया। तो गाठिया मैंने मिक्सर के जार में डाला है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को मैंने छील के रेडी रखा था, वही मैंने ऐड किया है। फिर इसमें डालेंगे नमक और फिर इसमें डालेंगे चिली पाउडर। फिर जार को बंद करके इसको पीसने के लिए रखेंगे और पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखेगा। हमें इसको एकदम फाइन पाउडर में नहीं पीसना है, हमें इसको बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, क्योंकि मुंबई स्टाइल वड़ा पाव में जो चटनी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही चटनी होती है, दरदरी पीसी हुई। तो यहाँ की ये चटनी की एकदम खासियत है, बस इसी चटनी की वजह से ना वो वड़ा पाव में एकदम चार चांद लग जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये चटनी बिल्कुल इस तरीके से मैंने पीसी, बिल्कुल दरदरी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरी वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और Facebook पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करना। तो यहाँ पे मेरी चटनी जो है वो बनके तैयार है। अब यहाँ पे मेरे आलू भी बॉईल होके रेडी हो गए थे, तो मैंने आलू को एक बाउल में निकाल लिया, फिर इसको अच्छे से मैश कर लिया। मैश जब तक कर रही थी, तब तक के मैंने सोचा कि इसको वड़ा बनाने के लिए, वड़ा फ्राई करने के लिए मैं ऑयल गरम करने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक कि ऑयल गरम हो रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं वड़ा का मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैश्ड आलू में हमने वही मसाला डाला जो हमने मिर्ची का बना के रखा था स्टार्ट में, वही मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। फिर इसमें ऐड किया है कटा हुआ धनिया, फिर ऐड किया है नमक। नमक ऐड करने के बाद अब आती है तड़के की बारी। तो तड़के के लिए हम लेंगे एक तड़के का पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल, उसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स ऐड करने के बाद उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो अब यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब हम मैश्ड आलू में इसको भी ऐड कर लेंगे। तो ये तड़का ऐड करने के बाद हमें ये मैश्ड आलू वाला जो पेस्ट है उसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद सारे मैश्ड आलू को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। वड़ा ओवर कुक ना हो जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, और वड़ा के पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब हम इसको बॉल शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक साथ पहले चार पांच बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने राउंड फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब बारी आती है वड़ा को फ्राई करने की। यहाँ पर साइड बाई साइड मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम एक एक बॉल्स जो है उसको हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे, और डिप करके उसको चारों तरफ घुमा के फिर हम उसको चम्मच की हेल्प से ऑयल में फ्राई करेंगे। किस किस का मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेवरेट है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मतलब डेली मुझे वड़ा पाव दे दोगे तभी मैं खा लूँगी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने वड़ा को फ्राई करने के लिए रख दिया है। हल्का सा मेरा वड़ा जल गया था, बट आप लोग ट्राई करो कि ये जल ना जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर शूट भी कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, इसलिए मेरे से गलती हो गई। अब बारी आती है इसको प्लेटिंग करने की। जब भी घर में कोई मेहमान आ रहा हो, आप बस ये वड़ा तैयार कर लीजिए और पाव तैयार कर लीजिए, और बिल्कुल इसी
तरीके से प्लेटिंग कर लीजिए। तो अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय।